है, क्योंकि अगर आप नहीं जाना चाहते मेरे पिक्चर देखने तो मत जाइए। तो लोगों ने बताया ना, मत जाइए तो क्या होता है, कर्मा ना लौट के आता है। तो भाई लोग फाइनली चेंगिस का टीज़र देख, हिंदी टीज़र देखने के बाद मुझे तो इतना काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और इस चीज़ को देखने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इस फिल्म को किस तरह वो बंगाली इंडस्ट्री या टॉलीवुड इंडस्ट्री दिखाता है, किस तरीके से सुपरस्टार जीत को वो दिखाता है। अब भाई सुपरस्टार जीत को कौन नहीं जानता, वो एक बंगाली स्टार है और उनको फिल्म जब आता है तो भाई छप्पर फाड़ कमाई करता है। और बात करते हैं कि फिल्म के लेके क्या क्या किसका रिएक्शन है, भाई देखिए हिंदुस्तान भाव का जो है रिएक्शन आ चुका है इस फिल्म को लेके, और काफ़ी ज़बरदस्त रिएक्शन है। सिर्फ हिंदुस्तान भाव ने काफ़ी सारे लोग हैं जो इस फिल्म को काफ़ी तारीफ करे इस टीज़र का। देखिए अब उनका आवाज़ वो खुद दिए है या फिर उनका वॉइस आर्टिस्ट ने किसी ने दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है और आवाज़ तो भाई दमदार लग रहा है। बस सच में यार बॉलीवुड से तो कई गुना ज़्यादा यार ओडिया इंडस्ट्री या साउथ इंडस्ट्री, यार साउथ इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा फिल्म देता है, और अभी तो बंगाली इंडस्ट्री भी अपने फिल्म को काफ़ी जो है सीरियसली ले लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे ही ऐसा कुछ वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं जब सारे इंडस्ट्री मिल के एक फिल्म बनाएंगे बहुत बड़ी लेवल की, अवतार फिल्म जैसे को भी बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ देंगे। भाई हंसने आप लोग भी कुछ हंसेंगे, क्योंकि भाई अवतार को पीछे नहीं, ऐसा हो सकता है, मुमकिन भी है। और जैसे देख लो विक्रम आया, फिर कितने सारे फिल्म जो है वो अपना यूनिवर्स बना रहे, तो हो सकता है कि आगे जाके कि ओडिया इंडस्ट्री और बंगाली इंडस्ट्री दोनों मिलके कुछ ऐसे फिल्म बनाए, कुछ अपना मिल के बन के, तो भाई मज़ा आ जाएगा ऐसे चीज़ों को देखने में। तो भाई देखते कि आगे क्या होता है। वैसे भी जब मैंने इस टीज़र को देखा तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगा, और ऊपर से इसकी सिनेमाटोग्राफी भाई कहीं से भी ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि भाई ये फिल्म में कोई गलती है। भाई देखिए फिल्म टीज़र जो है बड़ी मस्त है, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में।